हेलो वेलकम नमस्ते। आज हम बनाएंगे बीटरूट की भाजी की सब्जी। तो जो ये बीटरूट है, फ्रेश बीटरूट, उसकी ये भाजी हमने ग्रीन पत्ते वो अलग से हमने कट किए हैं, और जो इसके लंबा ये रेड पार्ट है वो हमने बारीक अलग कट करके रखा है। तो उसके लिए भाजी बनाने के लिए हमको ये दोनों हमने बारीक बारीक कट करके वॉश करके अलग रखा है। 1/4 कप सेमोलिना चाहिए हमको, यानी कि सूजी, 2 ग्रीन चिली कट किया हुआ, स्वाद अनुसार नमक, जीरा, बारीक कटी हुई ऑनियन 1 और कटा हुआ लहसुन 3 क्लोव लहसुन बारीक कटा हुआ इतना चाहिए हमको। एक पैन में हम थोड़ा सा तेल लेंगे, जैसे तेल होता है उसके अंदर हम जीरा डालेंगे। उसके अंदर हम कटा हुआ गार्लिक डालेंगे, उस पर थोड़ा भुनेंगे गार्लिक को। बाद में 2 इंच चिली बारीक कटी हुई ऑनियन, इसको हमको अच्छी तरह से भूनना है। सॉफ्ट ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा ऑनियन हो जाए तब तक उसको हम भूनेंगे अच्छी तरह से। ये ऑनियन हो गया है करीबन ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर ये रेड पार्ट जो हमने बारीक करके साइड में रखा था उसको भी थोड़ी देर अंदर हम भूनेंगे। उसके बाद उसके अंदर हम डालेंगे सेमोलिना और उसको हम थोड़ी देर भूनेंगे, करीबन 3 मिनट्स तक हम उसको हिलाते रहेंगे अच्छी तरह से। और फिर उसके अंदर हम अच्छी तरह से भुनने के बाद अंदर 1 कप पानी डालेंगे, और पानी में जैसे उबाल आता है हम थोड़ा सा नमक और जो लीव्स हमने कट करके रखे हैं वो भी हम अंदर डालेंगे। तो ये उसके अंदर हम डालेंगे अब ये लीव्स। वन कप पानी, स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून जितना, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, ग्रीन चिली आपने डाली है तो ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप रेड चिली पाउडर स्पून डाल सकते हैं। फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब 5 मिनट उसको पकने दें। 5 मिनट के बाद उसको खोल कर आप अच्छी तरह से मिक्स करें। नमक आप टेस्ट कर लें, कम लगता है तो आप ऊपर से थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं, अब उसको 5 मिनट और बिना ढके हुए उसको पकने दें और उसके बाद उसको सर्व करना है गर्मा गर्म। सो ये अब हम खुला रख के उसको 5 मिनट पकाएंगे।
फिर उसको डिश में निकाल के गर्मा गर्म आप उसके ऊपर लेमन जूस डाल के चपाती के साथ सर्व करें। ये बहुत ही बढ़िया और नाइस डिश लगती है, टेस्टी। जरूर आप इसको बनाइए। ग्रीन वेजी भाजी, जैसे हमने ये बीटरूट की भाजी यूज की है, आप कोई भी भाजी ऐसे यूज करके आप बना सकते हैं, पर इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। जरूर ट्राई करिए। थैंक यू वेरी मच।